तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया का प्लेइंग 11 घोषित। इन दो भूखे शेरों की अचानक से हुई टीम में एंट्री। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में बेस्ट कप्तान कौन है कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एम एस चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी के साथ जीत लिया था। ऐसे में तीसरा वनडे मैच जो भी टीम जीतेगी वह टीम वनडे सीरीज जीत लेगी। वहीं दूसरा वनडे मैच बुरी तरह से हारने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बन गया है। दरअसल दूसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजी असफल रही थी, ऐसे में जिसके कारण भारतीय टीम केवल 117 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। अब सीरीज का आखिरी वनडे मैच में भारतीय टीम किस रणनीति के साथ जाएगी यह देखना दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, जहां चेन्नई की पिच पर हल्की घास होने की उम्मीद जताई गई है, वहीं आउटफील्ड भी तेज होगा। ऐसे में दोनों टीमों के गेंदबाज फायदा मिल सकता है। वहीं टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया पहले फील्डिंग करना चाहेगी, जिससे टॉस जीतने वाली टीम तेज गेंदबाज से फायदा उठा सके। वहीं चेन्नई की पिच पर बाद में स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। वहीं इस पिच के बारे में माना जाता है कि बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है। ऐसे में जो भी टीम ऑलराउंडर खेल दिखाने में सफल रहेगी उसकी जीत चेन्नई में हो सकती है। इस मैदान पर कुल 23 वनडे खेले गए हैं, जिसके बाद में बैटिंग करने वाली टीम को 8 मैच में जीत और पहले बैटिंग करने वाली टीम को 13 मैच में जीत मिली है। इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहा था। दोस्तों, तीसरे वनडे में चेन्नई की पिच पर तेज गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। ऐसे में युवा सनसनी उमरान मलिक को मैच में शार्दुल ठाकुर की जगह मौका दिया जा सकता है। वहीं अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि उमरान मलिक आग उगलती हुई गेंद करने में माहिर हैं। वहीं तीसरे वनडे में उमरान के खेलने के यकीनन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर दबाव आएगा। वहीं उमरान तेज गेंदबाज करने में माहिर हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उमरान का सामना करने में थोड़ी सी झिझक जरूर हो सकती है। दोस्तों, जहां वाशिंगटन सुंदर पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के ओपनर ट्रेविस हेड के खिलाफ गेंदबाजी कर उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, वहीं दिनेश कार्तिक ने भी इस बारे में अपनी राय दी है और कहा है कि सुंदर के खेलने से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव बनेगा। वहीं लगातार 2 मैच में फलाप रहे सूर्य कुमार यादव एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। वहीं दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्या के सपोर्ट में बातें कही थी। रोहित ने कहा था कि श्रेयस अय्यर के ना होने पर सूर्या को ही टीम में मौका मिलना चाहिए और सूर्या जानते हैं उन्हें हर हाल में बेहतर खेल दिखाया है। दोस्तों, तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम का प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकता है कि ओपनिंग जोड़ी में जहां रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव होंगे। वहीं छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें पर रविंद्र जडेजा तो आठवें पर शार्दुल ठाकुर या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक को मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव या उमरान मलिक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी टीम के साथ प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, तीसरे वनडे के लिए आपकी क्या प्लेइंग 11 होने वाली है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।